चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया के करीब 125 देशों में अपने पैर पसार चुका है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया और भारत में भी कोरोना वायरस के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस से डरे नहीं बल्कि इससे बचें और कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथों को बार सैनिटाइजर से धोएं और चेहरे पर मास्क लगाकर रखें। और वहीं भारत में भी मास्क और सैनिटाइजर उचित कीमत पर बिक रहे हैं। मथुरा में भी मास्क की कालाबाजारी हो रही है। मथुरा के औषधि निरीक्षण ने मास्क की कालाबाजारी करते एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है और देश में कोरोना वायरस की दहशत है और कोरोना वायरस के डर से इस समय मथुरा में मास्क की कालाबाजारी जोरों से चल रही है, जहां 10 रुपये की कीमत पर मास्क को 50 रुपये में बिक रहा है और करीब 60 रुपये की कीमत वाला मास्क 250 रुपये में बिक रहा है। और मथुरा के औषधि निरीक्षण मथुरा अनिल कुमार आनंद ने एक मेडिकल पर छापामारी कार्रवाई करते हुए मास्क की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। दरअसल पूरा मामला मथुरा से जिला अस्पताल के सामने बंसल मेडिकल स्टोर पर है। यहाँ कई दिनों से मास्क की कालाबाजारी करने की शिकायत आ रही थी और कालाबाजारी की शिकायत पर औषधि निरीक्षण मथुरा अनिल कुमार आनंद ने इस मेडिकल पर एक बच्चा भेजकर 2 मास्क मंगवाए और मेडिकल संचालक ने 50 व 250 मास्क के 2 मास्क बच्चे को दिए और मास्क के साथ मेडिकल संचालक ने कोई बिल नहीं दिया और औषधि निरीक्षण ने पाया कि 10 रुपये की कीमत वाले मास्क 50 रुपये व 60 रुपये वाले कीमत पर मास्क को 250 रुपये में बेचा और मौके पर पहुंचेंगे। औषधि निरीक्षण ने मेडिकल से मास्क व 2 दवाओं के सैंपल ले लिए और खुद को फंसता देख मेडिकल संचालक ने एक भाजपा नेता के जरिए औषधि निरीक्षण पर दबाव बनाने की कोशिश की और औषधि निरीक्षण ने दबाव को धत्ता बताते हुए मेडिकल संचालक पर कार्रवाई की बात कही। और मथुरा से जाहिद सैयद की रिपोर्ट। आज यहाँ पे एक शिकायत मिली थी कि इस मेडिकल स्टोर पर पे निर्धारित मूल्य से ज़्यादा मास्क का विक्रय किया जा रहा है, जिसमें मैंने किसी लड़के को भेजा तो इन्होंने 250 रुपये का मास्क दिया, 50 रुपये का मास्क दिया, जो कि रेट के ओवर पाया गया। कितने रुपए का होगा अगर वो मास्क की बात? अगर वो 50 रुपये का 20-25 रुपये का बिकता है जो इन्होंने वो दिया है, और 250 रुपये का जो मास्क है वो इनका कोई रेट नहीं है। आप कितने का बेच रहे हैं, जो कि N95 नहीं है, कितने का बेचा ये बता सकते हैं? उसका भी कोई रेट 80-85 रुपये ज़्यादा नहीं होगा। दवाओं में भी देखा गया, 2 दवाओं का नमूना लिया गया है, ठीक है, और सेल परचेज का रिकॉर्ड मांगा गया है, जो कि कुछ मास्क का वो नहीं दिया गया, उसको सीज कर लिया गया है, बाद में बिल प्रस्तुत करने पर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। किस तरीके की दवा देखी गई है? दवा हर प्रकार की देखी गई, एंटीबायोटिक हुआ, एनाल्जेसिक हुआ और इंटर ट्यूबरकुलोसिस सब प्रकार की देखी गई। नहीं, अभी हम ये जो है नोटिस, जो हमारा निरीक्षण पत्र है वो अवसर अनुज्ञापन प्राधिकारी मथुरा को भेजा जाएगा, उसके अनुसार नोटिस आएगी, नोटिस के बाद जवाब के बाद इनकी कार्रवाई होगी। दवा भी कुछ रेटों से महंगी नहीं, दवा रेट से महंगी नहीं बेची जा रही, यहाँ पे मास्क है, मास्क के रेट ज़्यादा बेचा जा रहा है। प्रतिबंधित दवा इसी टाइप की नहीं मिली है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.